आप इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आई नो कि काफ़ी सारा ब्रेक हुआ हो गया था, काफ़ी बड़ा हो गया था इनफैक्ट, कि ऑलमोस्ट एक साल से कुछ खास वीडियोस नहीं आई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आई, आप लोगों ने देखा ही है कि कुछ कुछ वीडियोस आती हैं हर एक सब्जेक्ट की। मैंने कोशिश भी की थी बीच बीच में स्टार्ट करने की, बट फिर कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी मेरा एडमिशन हो गया था यहाँ पे पीएचडी में एंड आई एम इन सेकेंड ईयर, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को हैंडल करने में। एक थोड़ा आईआईटी का लेवल भी हाई होता है, तो टाइम टेबल मैनेज करने में भी बहुत टाइम लगता था। तो वही चीज़ कि मैंने ऐसे बीच बीच में स्टार्ट करने की कोशिश की, एक दो वीडियोस डालती और फिर कुछ ना कुछ ऐसे डेडलाइन आ जाती या फिर पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन हो जाता, तो ऐसे फिर चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी लास्ट ईयर। बट ऐसा नहीं था कि मैं अपने चैनल को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, मेरे माइंड के बिल्कुल बैक में ऐसा चलता रहता था कि ओके जब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी तो मैं वापस से चैनल पे आ जाऊंगी। तो अभी मेरे को थोड़ा सा पता चल गया है कि किस तरह से हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करना है। अभी मेरे को हर चीज़ का पता लग गया कि कैसे ओके ये पढ़ाई को इतना ऐसे इतना टाइम देना है, कुछ डेडलाइन आएगी तो हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोज़ ना डालूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम रेगुलर वीडियोज़ डालते रहे चैनल पे। ओके सो फर्स्ट थिंग इज बिकॉज क्योंकि अभी मैं यहाँ पे मुंबई में 2 साल से रह रही हूँ, अप्रोक्सीमेट 2 सालों भी हो जाएंगे, तो मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ हरियाणा में किस तरह से अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर कब, मतलब कब उनका एग्ज़ाम होगा, कब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, और आप लोग कौन से ईयर में हैं। अभी जो मेरी ज़्यादा ऑडियंस है या फिर आप कह सकते हो कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप सभी लोग कमेंट्स में बताओ मुझे कि आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा जो नया कंटेंट है वो किस पे आए। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप बीएससी फाइनल ईयर सेकंड ईयर से हो तो भी आप बता सकते हैं। आई थिंक बीएससी के हमने कुछ वीडियोस डाल भी रखी हैं, बट अगर आप चाहते हो कि कुछ एक रिवीजन टाइप हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ, और कुछ एमएससी गाइस भी बता सकते हैं कि ओके मैम आपका एमएससी का कोई कंटेंट नहीं है चैनल पे, आप उससे वीडियो स्टार्ट करो। तो आप सभी लोग जो भी कमेंट में बताओगे, जिसके भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दिखेंगे या फिर जिस भी कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक वगैरह दिखेंगे मुझे, तो मैं फिर उसी से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूँगी। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल यू, बिकॉज क्योंकि मुझे नहीं पता अभी हरियाणा में मेरे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो किस कौन से कोर्स में सबसे ज़्यादा है और कौन सी वीडियोज़ उन्हें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट की चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, अच्छे से बताओ कि मैं एक दो दिन का वेट करूंगी और फिर उसके बाद से नई वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। हाँ, तो आप सभी अभी मैं वापस आ गई हूँ, रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो आप सभी भी अभी वापस से चैनल के साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी अभी मैं रेगुलर आ जाऊँगी और आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप बता सकते हैं कि मैम आप ये वाले बुक ये वाला सिलेबस कंटिन्यू कर सकते हो ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं आपको आईआईटी बॉम्बे के रिगार्डिंग दिखाऊं, आपको देखना है कि कैसा डिपार्टमेंट है या फिर कैसे हम चीज़ें वर्क कर रहे हैं। एज आई सेड कि मेरे को खुद 2 साल लगे चीज़ों को बहुत मैनेज करने में, तो अगर आप चाहते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे या फिर कैसी लाइफस्टाइल है, तो फिर वो भी मैं आपको एक दो वीडियोज़ में बता सकती हूँ। ऐसा नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल व्लॉगिंग करूँगी, बट इफ़ यू वॉन्ट कि यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है या फिर कैसी पढ़ाई होती है, सो दैट कि आप लोग पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू सी तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई कैन मेक 1 or 2 वीडियोस। ओके, और या और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।